हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस इंफॉर्मेशनल प्लेटफॉर्म एग्ज़ाम अकेडमी पर, जहां हम भारत के किसी भी यूनिवर्सिटी, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर कोई स्टेट यूनिवर्सिटी हो, अगर यहां से असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई रिक्रूटमेंट रहता है तो उसका इन्फॉर्मेशन हम वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहते हैं। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। हम आज बात करेंगे एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी की तरफ से आए हुए नोटिफिकेशन के ऊपर। यहाँ पर तकरीबन 62 सीटों पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट जो यहाँ पर हैं 15 रखे गए हैं, तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। हम यहाँ पर देखेंगे वो कौन कौन से डिपार्टमेंट हैं, कितनी सीटें हैं, क्वालिफिकेशन क्या है, सारी चीज़ें वीडियो में स्टेप बाय स्टेप समझने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कॉलेज से ये रिक्रूटमेंट निकल कर आया हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एफिलिएटेड कॉलेज है जहाँ से रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, और इसका जो एड्रेस है मेन वज़ीराबाद रोड पर ये इस्टेब्लिश्ड है दिल्ली में, और यहाँ इनका ऑफिशियल वेबसाइट भी मेंशन है। आप वेबसाइट पर जाकर आप इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं या इसका नोटिफिकेशन भी आप इसी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं बैक टू बैक दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से असिस्टेंट प्रोफेसर का जो नोटिफिकेशन है वो एक एक करके निकल रहा है, और मैंने तकरीबन 9 से 10 कॉलेज के ऊपर इस महीने में वीडियो बना रखी है जो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अफिलिएटेड कॉलेज है। उनमें से कुछ कॉलेज जो हैं वो गेस्ट फैकल्टीज़ में रिक्रूटमेंट मांगे हुए हैं, और कुछ कॉलेज ऐसे भी हैं जो कि परमानेंट पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे हुए हैं। तो यहाँ पर जो रिक्रूटमेंट है वो गेस्ट फैकल्टीज़ में निकल कर आया हुआ है। 5 सितंबर 2024 को इन्होंने अपना नोटिफिकेशन पब्लिश किया हुआ था इनने ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिस पर इन्होंने अप्लीकेशन करने के लिए इन्वाइट किया हुआ है। ऑफिशियल वेबसाइट मेंशन है फॉर्म अप्लाई करने के लिए, और यहाँ पर जो लोग भी फॉर्म अप्लाई कर देंगे वो अपना प्रोफार्मा पूरा बनाकर, जो भी आप लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन है, सारी चीज़ें सेट कर लें और उसका प्रोफार्मा बना के आपको इस ईमेल पर सेंड कर देना है 13 सितंबर 2024 से पहले। तो यहाँ पर जो भी शॉर्टलिस्टेड रहेंगे उन्हें इंटरव्यू में बुलाया जाएगा, और इंटरव्यू में जो लोग क्वालिफाइड होंगे उन्हें ही यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। यहाँ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स से 9 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। जनरल के लिए 6 सीटें हैं, OBC के लिए 2 सीटें, और यहाँ पर SC कैटेगरीज में भी एक पोस्ट है। इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट से यहाँ पर 6 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, 3 सीटें जनरल के लिए, OBC SC ST के लिए एक एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश में यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं। डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी में टोटल 7 सीटें हैं, जिसमें जनरल के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं, OBC के लिए 2 और SC के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। हिंदी डिपार्टमेंट से यहाँ पर तकरीबन 5 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, और यहाँ जनरल के लिए 3 सीट हैं, OBC और SC कैटेगरीज में एक एक पोस्ट है। डिपार्टमेंट ऑफ हिंदी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में टोटल 7 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है, 4 सीटें जनरल कैटेगरीज में, 2 सीटें OBC और 1 सीट SC कैटेगरीज में। डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में यहाँ पर 2 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगे गए हैं, SC ST में एक एक पोस्ट पर रिक्रूटमेंट रखा गया है। वहीं मैनेजमेंट स्टडीज़ में टोटल 4 सीटें हैं जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में टोटल 3 सीटों पर अप्लीकेशन मांगा गया है। डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के लिए यहाँ पर 4 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी में यहाँ पर 5 सीटें हैं। डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत में यहाँ पर तकरीबन 1 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट मांगा जा रहा है। वहीं जो लोग डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत से फॉर्म अप्लाई करेंगे 3 सीटें हैं। इसके बाद यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू से भी फॉर्म निकल कर आया हुआ है, 1 पोस्ट है, और डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस से यहाँ पर 4 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगा गया है। जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, जो लोग फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो इनके लास्ट डेट से पहले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, और इनका लास्ट डेट ऊपर मेंशन है। यहाँ पर जितनी भी सीटें हैं, यानी कि जो 62 सीटों पर रिक्रूटमेंट मांगे जा रहे हैं, सभी यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है, और एज लिमिट की बात करें तो यहां पर मैक्सिमम एज लिमिट 70 साल का रखा गया है। 70 साल तक के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पोस्ट है, कुछ समय के लिए ही यहाँ पर आप लोगों को हायर किया जाएगा। इस नोटिफिकेशन में आप लोगों को एक अप्लीकेशन फॉर्म भी देखने को मिल जाएगा, इसी फॉर्म को आप लोगों को फिलअप कर लेना है। जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोगों को इसके साथ अटैच कर लेना है, एक कापी
कापी आप लोगों को ओरिजिनल और एक कापी इसका जो फ़ोटो स्टेट है वो रख लेना है जब आप लोगों का इंटरव्यू कराया जाएगा। और इसकी एक फ़ोटो स्टेट कापी ही स्कैन करके आप लोगों को इसके ईमेल पर 13 सितंबर 2024 तक सेंड कर देना है, जिसमें से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू में इनवाइट किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इस तरीके के और भी इन्फॉर्मेशन हम आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करते रहेंगे। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।